Bihar's caste survey has been presented in the State Assembly as an attempt to collate data that's needed to frame welfare packages. Now, we are talking about development with justice, that's what the government has said, but this is just a survey data, sir, not socio-economic census data. So, how does your government intend to go about it? वसुधा जी, चूंकि बिहार से और जेडी जनता दल से जुड़ा मामला है जी, इसलिए मुझे थोड़ा अतिरिक्त समय आप देंगे। मनीषा जी ने और निखिल जी ने जिन इतिहास का जिक्र किया, मैं भी उसका साक्षी रहा हूँ। जब मुंगेरीलाल कमीशन की रिकमेंडेशन विधानसभा में आई तो कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर होने के नाते उसको रखा, और इतिहास गवाह है, और निखिल जी आप भी गवाह हैं और मनीषा जी गवाह हैं। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को जनता पार्टी के ही लोगों ने, और कांग्रेस पार्टी भी उस समय विपक्ष में थी, इसलिए उसको मैं नहीं शिकायत करता, 99% जो जनसंघ के पुराने लोग थे उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराने में मदद की। और फिर रामसुंदर दास जी जनता पार्टी के अंदर ही मुख्यमंत्री बने। मैं उस समय जनता पार्टी के युवा संगठन का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था, नंबर 1। नंबर 2, मैं उस पार्लियामेंट में था 9th लोकसभा में, निखिल जी, जब वीपी सिंह जी ने मंडल लागू किया तो रथ यात्रा लेकर के उसके बाद अडवाणी जी चले थे, जिसको आप मंडल वर्सेस कमंडल कहते हैं, और जिस दिन वीपी सिंह जी डिथ्रोन हुए हैं और चंद्रशेखर जी बने हैं, हाँ। उस नॉन कॉन्फिडेंस पे आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के वीपी सिंह को हटाया। तो दोनों बार जब मंडल के मसीहा जी, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी रहे हों और चाहे वो वीपी सिंह जी रहे हों, हाँ। उन दोनों का विरोध आपकी पार्टी ने किया, और इसको तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जी। पर मिस्टर त्यागी, अभी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये जो अटेम्प्ट हो रहा है, ये सोसाइटी को बांटने की कोशिश की जा रही है, समाज को फ्रैगमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो अच्छा, मैं उसमें भी आता हूँ। क्रिटिसिज्म को आप किस तरह देखेंगे? वसुधा जी, प्रधानमंत्री रोज कहते हैं कि मैं चूंकि पिछड़ी जाति से आता हूँ इसलिए अपमानित होता हूँ। वो ये क्यों नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तान से आता हूँ? वो ये क्यों नहीं कहते मैं हिंदू हूँ और हिंदू से आता हूँ? बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में, जहाँ की मनीषा जी रहने वाली हैं और निखिल जी रहने वाली हैं, जनसभाओं में उन्होंने कहा भाइयों बहनों, अब वो दिन चले गए जब ये पार्टी कुछ जातियों की हुआ करती थी। अब ये पार्टी पिछड़ों की है, दलितों की है, महादलितों की है, अति पिछड़ों की है। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, निखिल आनंद जी कहते हैं कि हमारे 28% मिनिस्टर हैं पिछड़ी जाति के, तो जात की शुरुआत तो इन्होंने शुरू की हुई है। अब ये जात, अब ये कहना गरीबी जात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो पहला आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई डॉक्टर अम्बेडकर के टाइम पे, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए हुई थी, वो पुअर के लिए नहीं हुई थी। नंबर 1, ठीक है। एक तो ये कह करके कि एक ही जात है पुअर, ना, जात है हिंदू सोसाइटी में 3000 साल से जो जाति व्यवस्था है उसके तहत कुछ लोग पिछड़े हैं, हाँ। और कुछ लोग पिछड़े नहीं हैं। अब जो बीजेपी के साथ जब हम एनडीए में थे, निखिल आनंद जी ने, हम लोगों ने मिलकर के कैबिनेट से पास किया, ऑल पार्टी मीटिंग में पास किया, प्रधानमंत्री के पास गए, उन्होंने कहा अपनी असमर्थता है, तब जाकर के बिहार में ये पास हुआ है। गलत, ये खाली जाति का नहीं है। हम लोगों ने वसुधा जी जो 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 सारे सेक्शंस हैं उनका मकान, दुकान, जमीन, शिक्षा, नौकरी, कृषि, दस्तकारी के आंकड़े भी इकट्ठे किए हैं, जो बहुत जल्दी हम रिलीज करेंगे। लेकिन मेरा लास्ट, लेकिन निखिल जी, इंडिया तो सब इकट्ठा है, राहुल गांधी से लेकर के एवरीबॉडी। आपकी स्थिति पता है क्या है? बिहार में 3 पार्टियां आपके साथ, एलजेपी के दोनों फैक्शंस आपके खिलाफ, मांझी जी खिलाफ, मल्ला जी खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा जी खिलाफ। ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए।